तो बच्चों का रिव्यू सुन के ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रीवियस ईयर्स की चीजों को अगर अच्छे से, मैं ये कहूंगा जैसा बच्चों का फीडबैक आया है कि आज भी जो भी अभी की जो शिफ्ट यहाँ पे फ्री हुई है, बच्चों का फीडबैक यही है कि सर मेथ क्या रही है, इजी टू कोऑर्डिनेट है, इंग्लिश में वोकैब भी क्या वही है क्या अभी तक पूछी गई है। हाँ, करंट अफेयर्स आप बात करोगे तो फरवरी 22 से बच्चों ने बोला है कि हाँ कुछ क्वेश्चन आए हैं, अपने जुलाई 22 से भी क्वेश्चन आए हैं, तो आपको करना क्या है, इन चीजों को क्या कम्प्लीट किया अच्छे से रिवाइज करते रहना है। बिल्कुल कैलकुलेटर लेना है बच्चों को आगे के पेपर के लिए, और जो आज का पेपर आया है वो बहुत ही बढ़िया शानदार आया है, मनसूबे बच्चों के बहुत ही हाई हैं इस समय, और उम्मीद है कि बच्चे झंडे गाड़ चुके हैं जीके के लिए। जो भी बच्चा मिला है हर एक बच्चा सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, 70 से ऊपर हर किसी ने अटेम्प्ट किया, ठीक है, जीएसओ रीजनिंग और मैथ या इंग्लिश चारों के चारों सेक्शन में इजी टू मॉडरेटेड डिफिकल्ट सबको आपको याद ही नहीं करना, ठीक है, सारे के सारे इजी टू मॉडरेटेड, एक या दो बच्चे जो आउट होते हैं ना वो तो हर एक बच्चे के लिए आउट है, वो आपके लिए भी आउट ही होंगे, जो स्टडी आप कर रहे हैं उस पर कंटिन्यू फोकस रखें, मतलब ये कह सकते हैं कि प्रीवियस टेस्ट लगा ले तो प्रीवियस टेस्ट लगाओ आराम से एग्जाम हो जाएगा, जो लेवल हमने सोचा था एसएससी का वो या नहीं एसएससी नहीं वो मेंस में यूज करने जैसा बच्चों को एडवाइस दी गई थी, बिल्कुल उसी की तरह ही पेपर बैठ सकते। ये कहना चाहूंगा कि बच्चों क्या घबराना नहीं है, ठीक है, क्वेश्चंस क्या वही आ रहे हैं जो अभी तक आपने पढ़ रखे हैं, ठीक, तो हाँ करना क्या है, कल धावा बोलना है और क्वेश्चंस को क्या करना है, तोड़ना है फोड़ना है, ठीक है, जब तक फोड़ेंगे नहीं जब तक क्या छोड़ेंगे नहीं, तो इस समय की जो उन्होंने एक बार ठान रखा है उसी के अकॉर्डिंग उनका पेपर आ रहा है, इसमें अपना जज्बा मनसूबा बना के रखने की बात है सिर्फ, और सारा का सारा पेपर हमारे पुराने पैटर्न से आ रहा है। बच्चे मिल रहे हैं ना, इस बार सबसे अच्छी खासियत बच्चों की ये है कि नेगेटिव नहीं करके आ रहे हैं बच्चे, सबसे अच्छी खासियत है, पहले जीके में बहुत नेगेटिव मारता था लेकिन इस बार नहीं कर रहा है, और इंग्लिश में तो इतना खुश होकर निकल रहा है बच्चा, बहुत अच्छे क्वेश्चन करके आ रहा है।